जी सिस्टर्स, अल्हम्दुलिल्लाह। किसी को कोई डाउट? स्क्रीन शेयर होने तक मतलब फिर से मैं आऊजू बता दीजिए। आऊजू, मैं पनाह में आती हूँ बिल्लाही अल्लाह की, मिन शैतान, शैतान से, अरजीम, जो धुतकारा हुआ है। बिस्मिल्लाह, अल्लाह के नाम के साथ शुरू करती हूँ, अर रहमान, जो बड़ा मेहरबान, अर रहीम, नहायती रहम करने वाला है। अल्हम्दु, तमाम तारीफें लिल्लाही अल्लाह रब्बुल अल्लाह ताला के लिए हैं। रब्बल आलमीन, रब्बिल आलमीन, तमाम जहानों के रब, रब्बिल आलमीन, तमाम जहानों के रब। अर रहमान, जो रहमान, अर रहीम और रहीम है। मालिकी, मालिक है, हाकिम है। योम, योम दिन के, अद्दीन जजा या कयामत के दिन के, मालिक हैं कयामत के दिन के, या मालिक हैं जजा के दिन की। इया का, तुझी से या तेरी ही। नाबुदू, नाबुदू आइन तस्नीम होस्ट बना दीजिए स्क्रीन शेयर करने। नाबुदू, हम तेरी ही इबादत करते सिस्टर अली हैं। मुनिसा, ना आपको होस्ट बना दिया है बाय डिफॉल्ट। सिस्टर अली मुनिसा, जरा उम्मे हमजा को होस्ट बनाइए। नाबुदू, हम तेरी ही इबादत करते हैं। नाबुदू, हम इबादत करते हैं। नाबुदू, हम इबादत करते हैं। वो और जी, अभी भी स्क्रीन शेयर नहीं हो रही, तब तक हम ओरल कर लेंगे। चलिए, इया का तेरी ही, इया का तेरी ही। नाबुदू, हम इबादत करते हैं। वो और आपके पास तो खुली हुई है ना, सबके पास बुक्स। स्क्रीन नहीं रहे तो भी आप चलिए स्टार्ट की, जब तक होस्ट बने तक स्क्रीन शेयर होने तक हम करते हैं, क्योंकि टाइम फिर हमारा एक बहुत मिनट, ज्यादा वेस्ट हो जाता है। एक मिनट। सिस्टर अली मुनिसा, थोड़ा ट्राई कीजिए। सिस्टर, बाय मिस्टेक आप होस्ट बन गई हैं, तो उम्मे हमजा जो नाम लिखा हुआ है ना, उस पे राइट साइड पे क्लिक करके मेक होस्ट पे क्लिक करिए, इंशाल्लाह हो जाएगा। सिस्टर अली मुनिसा, क्या आप ट्राई कर सकती हैं? हाँ, तो उम्मे हमजा जो नाम आ रहा है ना, उस पे क्लिक करके राइट साइड में मेक होस्ट कर दीजिए। तो सिस्टर आप ये कर लीजिए ना, कैमरा ओपन करके आपका दिखा दीजिए, जो भी नोट्स हैं उनसे शायद नहीं हो पा रहा है। अच्छा, अगर वो लेफ्ट कर दोबारा ज्वाइन करेंगी तो ऑटोमेटिक हो जाएगा ना फिर? लीव करके ज्वाइन करेंगे तो हो सकता है। अली मुनिसा, सिस्टर आप लीव करके दोबारा ज्वाइन कीजिए। नहीं दिखेगा इससे, कैमरे से इतना क्लियर जैसा स्क्रीन दिख पर रहा है, था। अल्हम्दुलिल्लाह सिस्टर, दिख रहा है। ठीक है, चलिए सिस्टर्स। इया का तेरी ही, इया का तेरी ही, कुछ पॉइंट्स वगैरह बताना होता है ना सिस्टर्स को, तो थोड़ा सा लिखना वो मुश्किल हो जाएगा। कुरान से मैंने खोला, इया का तेरी ही। नाबुदू, हम इबादत करते हैं। नाबुदू, हम इबादत करते हैं। वो और या का तुझी से, तुझी से। देखिए दोनों वर्ड सेम है हम देख रहे हैं, लेकिन हमने तर्जुमे को खूबसूरत बनाने के लिए, या यहाँ पर हमने कहा तेरी ही इबादत करते हैं, क्योंकि ये चीज यहाँ पर सूट हो रही है, और यहाँ पर हमने कहा तुझी से मदद तलब करते हैं। दोनों अरबी या का ही है, लेकिन तर्जुमा हमने उर्दू के उसलूब में, यहाँ पर अगर हम तुझ से ही इबादत करते हैं वैसा देखिए तो बा माना वर्ड तुझसे सही हो सकता है, लेकिन जब बयान कर रहे हैं तो बेहतरीन नहीं लग रहा सुनने में, कुछ थोड़ा सा ऐसा हल्का सा महसूस हो रहा है कि नहीं तुझसे ही इबादत करते हैं, नहीं तेरी ही इबादत करते हैं, ये अच्छे से समझ में आ रहा है। अब इसी तरह अगर हम यहाँ पर कहेंगे कि तेरी ही हम मदद चाहते हैं, तो यहाँ पर वो नहीं बेहतर लगेगा, तेरी ही मदद, यहाँ पर तेरी ही इबादत करते हैं वो अच्छा लगा, लेकिन यहाँ पर हम तेरी ही मदद करते हैं इस तरह से नहीं, तुझसे ही मदद
तो यहाँ पर आ जाएगा तुझसे ही हम मदद चाहते हैं। यहाँ पर भी देखिए नस्ताइन नस्ताइन, यहाँ पर भी नून जो स्टार्टिंग में आया है, अब छोटा सा आप दिमाग में बस ये बता लीजिए कि स्टार्टिंग में जो नून आता है, स्टार्टिंग में किसी भी वर्ब के साथ जो नून आता है, वो नून जो होता है वो हम के माने में आता है, यानी वी हम करते हैं इस तरह से। नाबुदू हम इबादत करते हैं, यहाँ पर भी हमने देखा कि ना नाबुदू आया, नून आया है। इसी तरह नस्ताइन हम मदद तलब करते हैं और तुझी से हम मदद चाहते हैं। वो इया का तेरी ही नाबुदू हम इबादत करते हैं, वह और इया का तुझी से नस्ताइन हम मदद चाहते हैं। मेरे साथ बोलिए, इया का तेरी ही नाबुदू, तेरी इया का तेरी ही तेरी इया का तेरी ही या का नाबुदू तेरी हम इबादत करते हैं, नाबुदू हम इबादत इबादत करते हैं, करते नाबुदू हम इबादत करते हैं, नाबुदू नाबुदू हम इबादत इबादत करते हैं। करते हैं वह इया का और तुझी से, का वह और इया का और तुझी तुझी से नस्ताइन हम मदद चाहते हैं, नस्ताइन से हम मदद चाहते हैं, हम मदद चाहते हैं। यानी मदद पूरा तर्जुमा क्या हुआ? तेरी ही हम इबादत करते हैं और तुझी से हम मदद चाहते हैं। चाहते हैं माशा इहदी, यहाँ पर भी देखिए आप, मुझे यही समझाना था जब मैं बुक पर, ये हो गया, दिख रहा है आप लोगों को? जी दिख ठीक रहा है, इसमें भी ये दिखने को बाजाहिर दो है, इसमें दो वर्ड है, इहदी, ये इहदी है एक, मुझे लिखने मुश्किल हो रहा है ऊपर कैमरा पकड़ने के लिए, सॉरी, आप लोगों को थोड़ा सा मुश्किल होगा, लेकिन इहदी इहदी देखिए एक है, इहदी यानी तू दिखा, हाँ, या तू दे, इहदी यानी हिदायत, तू हिदायत दे या तू दिखा। इहदी सिर्फ ना को हम अभी पकड़ेंगे नहीं, ना को अलग है, इहदी का मतलब है सिर्फ तू दिखा या तू हिदायत दे, ना आ गया हमें, तू हिदायत दे हमें, या तू हमें दिखा, या तू हमें हिदायत दे, हमें किस चीज की हिदायत दे, फिर हम यहाँ पर आ जाएंगे, हमें इस चीज की कि ऐसा रास्ता, असिरात रास्ता, ईदीना दिखा हमें या हिदायत दे हमें, ईदी ईदी का हमने किया, ईदी दिखा, ना आ गया हमें। इसको हम खोल कर इस तरह से बताएंगे, अगर तर्जुमा जब करेंगे लफ्जी, ईदी दिखा, तू दिखा, ना हमें, इहदी दिखा हमें या हिदायत दे हमें, अस्सिरात रास्ता, सिरात कहते हैं रास्ते को अरबी में, सिरात कहते हैं रास्ते को, अल मुस्तकीम सीधा, कैसा रास्ता दिखा, अल मुस्तकीम सीधा। हमने देखा था कि मरकजी मजमून भी इस सूरत का हमारा क्या था, यही वाली आयत थी, आयत नंबर हमारी 7 6, यही वाली आयत थी कि हम अल्लाह ताला से क्या तलब कर रहे हैं। इस पूरी सूरत में मेन जो मरकजी मौजू था कि हमें आए सीधा रास्ता दिखा, मेन जो पॉइंट था क्या था कि हमें सीधा रास्ता दिखा, इहदी दिखा ना हमें, असरा सीधा रास्ता, अल मुस्तकीम सीधा, हमें सीधा रास्ता दिखा। चलिए बोलिए मेरे साथ, इहदी ना हमें दिखा, जिना हमें दिखा असरात रास्ता, अस्सिरात रास्ता अल मुस्तकीम सीधा, अल-मुस्तकीम सीधा हमें सीधा रास्ता दिखा या हमें हमें सीधा रास्ता दिखा, इहदी दिखा ना हमें, हमें दिखा, इहदी बोलिए, हमें इहदी तू दिखा, इहदी तू तू दिखा दिखा ना हमें, हमें दिखा हमें दिखा असिरात रास्ता, अस्सिरात रास्ता अल मुस्तकीम सीधा। अल मुस्तकीम सीधा ठीक है, हमें सीधा रास्ता दिखा। हमें अब सीधा आया, रास्ता दिखा अब अल्हम्दुलिल्लाह हम आखिरी आयत पर हैं, सिरात रास्ता, ये तो हमारा गुजर चुका है, यही वर्ड रिपीट है, अल्लदीना उन लोगों का, अल्लदीना
उन लोगों का, अल्लाजीना उन लोगों का, अल्लाजीना उन लोगों का, या जिन लोगों का, अल्लाजीना उन लोगों का या जिन लोगों का, इस तरह से दोनों इसके तर्जुमे कर सकते हैं। इसको अरबी में इसमें मौसूल बोलते हैं, क्योंकि अब हमको यहाँ पर ज्यादा डीप ग्रामर नहीं जाना है, बस आप याद रख लीजिए अल्लाजीना, ये बहुत बार कुरान में भी आया, बहुत सूरतों में अल्लाजीना का बार बार जो है कुरान में जिक्र होता है। तो अल्लाजीना इसमें मौसूल, जिनको, इसका तर्जुमा हम जिनको भी कर सकते हैं, जो भी कर सकते हैं, और जिन्होंने भी कर सकते हैं, या उन लोगों का, ये चार तरीके से इसका तर्जुमा होता है, जो, जिन, जिन्होंने, या उन लोगों का, जिन लोगों का, जो लोग, या उन लोगों का, जहां भी आएगा वो आयत के हिसाब से हम उसका तर्जुमा जो सही लगेगा उस तरह से हम उसमें डाल देंगे। ठीक है, अल्लजीना, अब यहाँ पर हम करेंगे अल्लजीना उन लोगों का, अनमता यानी एहसान किया, इनाम किया, तूने तूने एहसान किया, तूने इनाम किया, अलैहिम उन पर। देखिए अब तक हमने कितने पढ़े थे हुर्फे जर, अब तक हमारे पास आउजू में पहला आया था बा, उसके बाद मीन शैतान में मीन आया था, बिस्मिल्लाह में भी हमने बा पढ़ा था, फिर सूरह फातिहा में जब हम आ गए तो वहां पर हमने कौन सा हर्फे जर पढ़ा था, बिस्मिल्लाह रब्बिल आलमीन, लिल्लाही 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 में हमने तीसरा पढ़ा था, है ना, लिल्लाही अल्लाह के लिए। अब यहाँ पर चौथा आ गया हमारा अलै, ये हम छोड़ दीजिए, ये अलै जो है ये है हुर्फे जर, हाँ, उन अलै यानी उन पर के माने में आएगा, ठीक है, हुम उन सब पर, उन सब पर, हुम है ये जमीर है, उन सब पर, उन सब पर, अल्लजीना उन लोगों का, जिन पर या उन पर, हाँ, अनमता इनाम किया, उन पर, अनमता इनाम किया, अलैहिम उन पर, अलैहिम उन पर, गैर ना जो के, गैर ना मगर, इसका तर्जुमा हम ना भी कर सकते हैं, क्या अलावा भी कर सकते हैं, सिवाय उन लोगों के भी कर सकते हैं, गैर का तर्जुमा, गैर का तर्जुमा हम कर सकते हैं ना के माने में भी और सिवाय के माने में भी, अलावा के माने में भी, ठीक है। अल मगबूबी, जो वो जो गुस्सा किया गया, यानी जिन पर अल्लाह का गुस्सा हुआ, जिन पर अल्लाह का गजब किया गया, जिन पर अल्लाह का गुस्सा किया गया, अल मगबूबी उन लोगों को कहेंगे, इसमें मकूल जिन पर किया गया, क्या क्या किया गया, कैसे लोग थे जिन पर अल्लाह का गुस्सा किया गया, वो लोग थे जिनसे अल्लाह ताला नाराज थे, वो लोग थे जिनको अल्लाह ताला ने धुतकारा यानी जहन्नम, ऐसे लोग जिन पर अल्लाह ताला का गुस्सा ना, हम पनाह मांग रहे हैं यहाँ पर कि अल्लाह ताला सिरात, ऐसे लोग अल मखसूस, अच्छा हम ऊपर के आयत छोड़ दिए क्या हम, हाँ नहीं, सही है अल्हम्दुलिल्लाह, ऐ अल्लाह हमें ऐसा रास्ता दिखा जिन पर तूने इनाम किया, ना कि उन लोगों का रास्ता जिन पर तूने गुस्सा किया, जिन पर तेरा गजब नाजिल हुआ, ना कि गैर, ना कि उन लोगों का रास्ता जिन पर तूने गजब किया गया, जिन पर तेरा गुस्सा नाजिल हुआ, उन लोगों का रास्ता ना दिखा। चलिए, सिरात रास्ता, अल्लजीना उन लोगों का, अनअमता इनाम किया जिन पर तूने, अलैहिम उन पर या जिन पर, गैर जो ना के, अल मगदूबी जिन पर गुस्सा किया गया, सिरात रास्ता, अल्लदीना उन लोगों का, अनअमता इनाम किया तूने, अलैहिम उन पर, गैर सिवाय, अल मगजूबी वो जो गुस्सा किए गए या जिन पर गुस्सा किया गया। अब पढ़िए मेरे साथ, सिरात रास्ता, सिरात रास्ता अल्लजीना उन लोगों का, अल्लजीना उन लोगों का अल्लदीना उन लोगों का, अल्लजीना अल्लजीना उन लोगों का अनअमता अनअमता इनाम किया तूने, अनअमता इनाम इनाम किया किया तूने, इनाम किया तूने, तूने इनाम किया तूने अलैहिम उन पर, अलैहिम 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 उन पर उन पर, अलैहिम उन पर गैर उन पर ना, ना गैर ना गैर ना, गैर अल ना मगदूबी जो गुस्सा किया गया, अल जिन पर गुस्सा किया, मगलूबी वो जो गुस्सा किया गया,
वो जो गुस्सा किया गया। यानी जिन पर गुस्सा किया गया यानी जिन पर गजब नाजिल किया गया उन लोगों का। आखिरी है अलैहिम और उन पर, किन पर? अलैहिम उन पर वो लोग। अब बता रहे हैं कि हमें तो सीधा रास्ता दिखा ना कि जिन पर गुस्सा किया गया है, अलैहिम उन पर जिन पर गुस्सा किया गया है, और ना वो, या वो का माना है वो भी हमें बार बार आएगा कुरान में, वो हुर्फ अत्फ कहते हैं हमें बार बार यूज होता है, वो को आपको याद रखना है कि वो और के माने में आता है। और ला ना और ना और ना अदौली, जो गुमराह हुए हैं, जो भटके हुए हैं। दौलीन का माना होता है जो गुमराह हुए हैं, जो भटके हुए हैं, यानी वो खास लोग जो भटक गए थे अल्लाह के रास्ते से, जो गुमराह हो गए थे। ऐ अल्लाह हमें ऐसा रास्ता दिखा जिन पर तूने इनाम किया है, ना कि जिन पर गुस्सा किया गया है और जो भटके हुए। इन दो लोगों का हमें रास्ता ना दिखा। किन लोगों का रास्ता दिखा? अन अम्त, जिन पर तूने इनाम किया है, सिर्फ उन लोगों का रास्ता दिखा। गैर, ना के जो गुस्सा किए गए हैं और ना जो भटके हुए। इन दोनों लोगों का रास्ता हमें ना दिखा। हमें कैसा रास्ता दिखा? सिरात, रास्ता। अल्लदीना, उन लोगों का। अन अम्त, तूने इनाम किया। अलैहिम, उन पर। गैर, ना के। अलमग़ज़ूबी, जो गुस्सा किए गए हैं, यानी जो गजब नाजिल किया गया है जिन पर। अलैहिम, जिन पर या उन पर। वला, और ना। अज़ाल्ली, जो के गुमराह हुए हैं। अद्दाल्लीन, जो के गुमराह हुए हैं, जो के भटके हुए हैं। ठीक है, तो अब यहाँ से हमने यहाँ तक किया था। पढ़िए, अलैहिम उन पर, अलैहिम उन पर वला और ना, नहीं वाला वला और अद्दालीन, जो गुमराह हैं। अद्दालीन, अदौलीन जो जो गुमराह गुमराह हैं हूँ या जो भटके हुए हैं। जो ठीक है, भटके एक बार हुए। मैं दोबारा से शुरू से कर रही हूँ। देखिए, अल्हम्दु, तमाम तारीफें। अल, तमाम के लिए, हम तारीफ के लिए। तमाम तारीफें लिल्लाही, अल्लाह के लिए। लाम के लिए, अल्लाह, अल्लाह ही के लिए। रब, जो पालने वाला है। अल आलमीन, सारे जहानों का या सारे आलमों का। अर रहमान, बहुत मेहरबान है। अर रहीम, बहुत रहम करने वाला या बहुत रहीम है। मालिक, मालिक है यौम दिन का। अद्दीन, कयामत के, कयामत के दिन का मालिक है। इया का, तेरी ही। नअबुदु, हम इबादत करते हैं। व, और। इया का, तुझ ही से। नस्ताइन, हम मदद चाहते हैं। इहदिना, तू दिखा ना हमें। इहदिना, तू हमें दिखा। अस्सिरात, रास्ता। अलमुस्तकीम, सीधा। सिरात, रास्ता। अल्लदीना, उन लोगों का। अनअमता, इनाम किया तूने। अलैहिम, उन पर। गैर, ना। अलमग़ज़ूबी, जो गुस्सा किया गया या जिन पर गजब किया गया। अलैहिम, जिन पर या उन पर। वला, और ना, उन लोगों का रास्ता। इसमें मफ़हूम तर्जुमा, और ना, व, और ला, ना। अद्दौलीन, जो गुमराह है। आप लोगों को आ गया समझ में? कोई आप में से देखकर मुझे एक बार सुनाना चाहेगा? देखकर ही जी फ्रेंड्स, साथियों, दोस्तों, आप में से कोई देखकर सुनाना चाहेगा? देखकर ही, रीड कर कर ही, वर्ड टू वर्ड, कि तर्ज कैसा होगा, आप लोग कैसा पढ़ेंगे, देखेंगे। कोई भी एक आप में से, या कोई चीज समझ में नहीं आई तो आप लोग पूछ लीजिए। आवाज आ रही है मेरी आप सबको? जी आ रही। जी, अच्छा, कोई दो 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 आयत का कर दीजिए शुरू का, उससे पता चल जाएगा। क्लास हमारी खत्म है, बस आप लोग बता दीजिए। कोई अगर पढ़ना चाह रहे हैं या कोई डाउट है, या नहीं कल सुनाना चाह रहे हैं, तो कल आखिरी इसमें आप लोग सुना देंगे इंशाल्लाह। अब कल से हम जितना हो सका हाफ एन आवर में आयते लेंगे और 50 मिनट्स आप लोगों से सुनेंगे, ताकि आप लोगों का भी याद होगा। आप ये है कि आप इंशाल्लाह कल से इसको बगैर देखे प्रैक्टिस कर कर आएंगे। सादे कुरान में इंशाल्लाह आप लोग वर्ड टू वर्ड सुनाएंगे। ठीक है जी। आप लोग अगर माइक खोलना नहीं चाह रहे तो चैट में इंशाल्लाह बता दीजिए कि किस तरह से आप तैयार हैं, क्या समझ में आया, क्या कोई चीज मुश्किल लगी आज के इसमें, या कोई और आप डीप ग्रामर चाह रही है, इतना ही मुख्तसर ग्रामर बस है। कोई भी सजेशन हो आप लोगों के तो बताइए।
जी बहनों, कोई भी डाउट है तो भी बताइए, हम यहाँ सीखने सिखाने के लिए आए हैं। अगर मुझसे भी कोई है तो ऐसा ये मत होइए कि कैसा किस तरह से, हम साथ में मिलकर सीखेंगे। मैं भी सीख रही हूँ, आप भी सीख रहे हैं, इस तरह से समझिए। कोई यहाँ पर टीचर या उस्ताद इस तरह से नहीं है, साथ मिलकर सीखेंगे। तो जब तक हम नहीं बोलेंगे तब तक हमें किस तरह से, हमें पता चलेगा कि आप लोग क्या चाह रही है, किस तरह से समझने के लिए। आप लोग बताइए, आप क्या किस तरह से चाहती हैं, समझ में आया ये यही तरीका सही है, या कोई चेंजेस चाहिए, या ग्रामर और चाहिए, या ग्रामर बिल्कुल भी नहीं चाहिए, सिर्फ और टू और चाहिए। जी एक मैसेज आया है कि अल्हम्दुलिल्लाह समझ आ गया, फर्स्ट के चार पार्ट एक बार फिर से बता दीजिए सिस्टर। तो वो जो आपने अच्छा, पहले चार आपको पॉइंट्स बताए थे ना वो। जी, आपको जी वो बता भी देंगे इंशाल्लाह, मैं आपको वो सेंड भी कर दूंगी पीडीएफ, क्योंकि आपको नोट्स में याद भी रहे, क्योंकि हम पूरे सूरह की तशरीह नहीं कर रहे हैं, तो मुख्तसर बता देंगे बस चार, क्योंकि हमने कहा सूरह फातिहा मक्की सूरत है, सात आयात पर मुश्तमिल है, और सबसे पहली मुकम्मल नाजिल होने वाली सूरत है, और हमने इसको चार पार्ट में डिवाइड किया है। पहला पार्ट हमने कहा कि आदाबे दुआ, कि दुआ मांगने का तरीका किस तरह से है, दुआ के उसलूब किस तरह से हैं, कि हम किस तरह से दुआ को तलब करेंगे। तो यहाँ हमने उसमें देखा कि अल्लाह की तारीफ बयान की जा रही है, यानी हमें भी चाहिए कि हम जब भी दुआ मांगे रोजमर्रा की जिंदगी में भी, सबसे पहले अल्लाह की तारीफ से ही शुरू कर कर फिर दरूद पढ़कर हम अपनी दुआओं का मुतालिबा करें। तो पहला पैराग्राफ ये था इस आयत का। ये आयत 1 से 4 तक की आयत थी, जिसमें हमें ये चीज बताई गई है कि हमें अल्लाह की तारीफ बयान करना है, आदाब दुआ। दूसरा पैराग्राफ था आयत नंबर 5, जिसमें हम खास दुआ का तलब कर रहे हैं, जिसमें हम गवाही दे रहे हैं कि हम इबादत भी अल्लाह ताला आप ही की करेंगे, और हम मदद भी आप ही से तलब करेंगे। ये खास चीज की दुआ है, यहाँ पर हम इस बात की गवाही दे रहे हैं, क्योंकि हम बाजाहिर बोल रहे हैं, क्योंकि हम अमल नहीं कर रहे, इसलिए यहाँ पर इस्तका की दुआ कहा गया है, कि खास दुआ कहा गया है, क्योंकि देखिए हम इबादत कर रहे हैं, लेकिन कहाँ हम इबादत कर रहे हैं अल्लाह ताला की? बस नमाजें पढ़ने को हम इबादत कहते हैं, बाकी चीजें भी इबादत हैं। इसी तरह से हम मदद मांगने को हम दूसरों पर मुनहसिर रहते हैं, कोई बास जगह पर अल्लाह पर मुनहसिर नहीं रहते। तो इसीलिए यहाँ पर खास ये है कि दुआ कि हम तेरी इबादत कर रहे हैं और तुझे से मदद तलब कर रहे हैं। तीसरा पैराग्राफ जो था, इहदिनस सिरात अल मुस्तकीम, ये जो आयत नंबर 6 थी, ये मरकजी मजमून भी है सूरत का, जिसमें हम रहनुमाई की दरख्वास्त कर रहे हैं। कैसी रहनुमाई? कि ऐ अल्लाह हमें सीधे रास्ते की तरफ ले चल, सीधे रास्ते की तरफ ले चल। फिर उसके बाद आयत नंबर 7, जो चौथा आखिरी पैरा था हमारा, कैसा रास्ता, दुआ का मकसद क्या था तुम्हारे, वजाहते दुआ कर रहे हैं हम यहाँ पर, इस यहाँ पर बता रहे हैं कि अल्लाह सिर्फ हमें उन लोगों का रास्ता दिखा या रब्बुल आलमीन, जिन पर आपका इनाम है अल्लाह ताला, जो लोग जन्नत के मुस्तहिक हैं, और हमें ऐसे लोगों से बचा अल्लाह जिन जो रास्ता भटक गए थे, ऐसी कौमों से बचा अल्लाह जिन पर आपका अजाब नासिल हुआ है। वजाहती दुआ यहाँ पर आखिरी पैराग्राफ में, यानी आखिरी आयत में बयान कर रहे हैं हम, जो इतना सारा हम दुआ मांगते आए, खास दुआ मांगे, फिर असल दुआ मांगे, और फिर उसका निचोड़ क्या हुआ, आखिरी आयत में हम आकर क्या तलब कर रहे हैं, कि अल्लाह ताला बस ऐसे ही लोगों का रास्ता दिखा जिन पर आपका इनाम है रब्बुल आलमीन, ऐसे लोगों से बचा हमें, ऐसी कौमों से बचा जिन पर आपका गजब नाजिल हुआ है, जिन पर आपका अजाब नाजिल हुआ है, और भटके हुए रास्ते से हमें बचा ले। इतना सा बस मुख्तसर सा इसके 4 पॉइंट्स है। क्लियर हो गया सिस्टर? और किसी को कुछ? जजाक अल्लाह खैर, आपने पूछा, बहुत अच्छा लगा, अल्हम्दुलिल्लाह इसी तरह से क्लियर होगा। मैं कह रही हूँ ना कि आप मत समझिए कि मैं कोई उस्ताद बैठे हैं, या हम सीख रहे हैं सिखा रहे हैं, हम साथ में भी सीख रहे हैं और सिखा रहे हैं, इस तरह से है। और किसी को लफ्जी तर्जुमे में तो समझ में आएगा, तो कल आप लोग पूरी सूरत सुनाने के लिए इंशाल्लाह तैयार हैं, कुरान से देखकर आप बगैर देखे तर्जुमे से, या हाफ सूरा ले लीजिए अगर पूरी मुश्किल हो रही है, तो आधी सूरत इंशाल्लाह हम कर लेंगे। ठीक है, फिर क्लास को हम खत्म करते हैं, क्योंकि आप लोग भी बोर ना हो जाए, कितनी लंबी क्लास चल रही है। हाँ, मैं मजलिस की दुआ पढ़ा देती हूँ, और कोई भी डाउट्स वगैरह रहेंगे तो आप कभी भी जो है मैसेज कर सकते हैं ग्रुप में, और मुझे भी पर्सनली। ठीक है, तो जज़ाकुमुल्लाहु खैरन कतीरवा। अगर कुछ होमवर्क वगैरह रहेगा वो ग्रुप में ही पोस्ट किया जाएगा, अगर कोई होमवर्क नहीं कर सकता तो कोई बात नहीं, आप लोग हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं इनशाला। आप तमाम का बहुत बहुत शुक्रिया, इनशाला कल फिर मुलाकात होगी। आज थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम्स हुए, हम उस पर वर्कआउट करेंगे, हमारा भी पहला एक्सपीरियंस है इनशाला। तो कल फिर मिलेंगे शार्प एट 12 o'clock इनशाला। जजाकुमुल्लाहु खैरन कसीरा, सुभान अल्लाह बिहम्दिही, सुभानक अल्लाहुम्मा वबिहम्दिका, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक।